प्रवीण नेतारू हत्याकांड। एनआईए ने फरार आरोपियों के आत्मसमर्पण के लिए दूसरी समय सीमा तय की। भाजपा युवा विंग के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू की हत्या की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामले में फरार आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए 18 अगस्त की समय सीमा दी है, अन्यथा संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मैसूरु केआरएस के बैकवाटर में 3 स्नातक छात्र डूब गए। शहर के संत जोसेफ कॉलेज में बीसीए के दूसरे वर्ष में पढ़ रहे रामकृष्णंग के वरुण, पदुरल्ली के प्रवीण और बिलेनहल्ली के भरत की मौत हो गई। प्रवीण, भरत, वरुण और अन्य लोग मीनाक्षीपुरा में कृष्णाराज सागर के बैकवाटर में तैरने गए थे। तैराकी के दौरान पानी की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। इलावाला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। उडुपी करकला नगर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल एचसी प्रशांत ने अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 48 वर्षीय एचसी प्रशांत की आत्महत्या का सही कारण ज्ञात नहीं है। करकला नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आशंका है कि मानसिक अवसाद या कर्ज से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की होगी। बेंगलुरु दुर्घटना में मारे गए केएसआरटीसी ड्राइवरों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने दुर्घटना में मारे गए केएसआरटीसी के 2 ड्राइवर सह कंडक्टरों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का दुर्घटना मुआवजा चेक वितरित किया। बेलगाम राज्य राजमार्गों के उन्नयन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। लोक निर्माण मंत्री सतीश जराकीहोली ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कम से कम 28 राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में अपग्रेड करने के लिए अगले सप्ताह एक बैठक करेंगे। बोम्बई ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस के साथ गठबंधन पर बातचीत के संकेत दिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्बई ने आज रविवार को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस के एनडीए में शामिल होने के संबंध में बातचीत का संकेत दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा के नतीजे भविष्य के राजनीतिक घटनाक्रम को निर्धारित करेंगे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कुछ भावनाएं व्यक्त की हैं और उस दिशा में चर्चा जारी रहेगी। उन्होंने कहा, भविष्य का राजनीतिक घटनाक्रम उन चर्चाओं के नतीजों पर आधारित होगा। बेंगलुरु में कल से विपक्ष की 2 दिवसीय बैठक की तैयारियां चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने और सत्ता से हटाने की महत्वाकांक्षा के साथ होने वाली इस बैठक में 24 राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। सूत्रों ने कहा कि 8 नए दलों ने भाजपा के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए विपक्षी बैठक को अपना समर्थन दिया है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं के समर्थक राजधानी में उड़ान भर रहे हैं। ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के मामले में राहत। ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या मामले को लेकर बेंगलुरु के जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत के फैसले पर पूर्व उपमुख्यमंत्री के एस ईश्वरप्पा ने कहा, हमारी कुल देवी चौदेश्वरी के आशीर्वाद से मैं अदालत में निर्दोष साबित हुआ हूँ। होसपेट भारत ने इस विशाल G20 की अध्यक्षता संभाल ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शेरपा अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि हम्पी में हुई 3री शेरपा बैठक में सभी सदस्य देशों ने भारत के प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। यूरोपीय संघ के देश पहले से ही G20 के सदस्य देश हैं। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी देशों के शामिल होने से दुनिया के सबसे ज्यादा देश G20 में शामिल होंगे और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक मंच बन जाएगा।